हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पबजी का जो न्यू अपडेट आया है मेट्रो रॉयल, उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में और कैसे आप उसको खेल पाएंगे, सब कुछ फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फ़ोन में इस समय पबजी मोबाइल चल रहा है तो आप इस अपडेट को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और आपके फ़ोन में ये अपडेट चलेगा। लेकिन जिन लोगों के फ़ोन में पबजी मोबाइल नहीं है, वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि बिना VPN के ये चल ही नहीं सकता है। अब जैसे क्या होता था कि पहले अगर आप VPN लगा के पबजी मोबाइल को लॉगिन कर लेते थे, उसके बाद आप VPN डिलीट कर देते थे, फिर भी पबजी मोबाइल चलता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब अगर आप VPN को बाद में हटाते हैं तो पबजी मोबाइल आपके फ़ोन में नहीं चलेगा। आपको अगर पबजी मोबाइल को खेलना है तो आपको VPN लगा के ही खेलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में उसका कुछ आपको मतलब दिखाऊंगा कि कैसा अपडेट है और क्या क्या इसमें न्यू आई है चीज़ें और सब कुछ आपको फुल डिटेल्स इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पबजी मोबाइल को डाउनलोड करने के लिए या अपडेट करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है टैप टैप। तो उस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप किसी भी ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो फर्स्ट पे उसका साइट आ जाएगा, उससे आपको डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। तो इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर इसका इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक सर्च का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पबजी सर्च कर देना है। पबजी जब आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक देख सकते हैं, इसमें सारे गेम आ जाएंगे और आपको यहाँ पे देखना है पबजी मोबाइल का मेट्रो रॉयल अपडेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पबजी मोबाइल का जो मेट्रो रॉयल अपडेट है वो पहले से मतलब डाउनलोड है, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ अपने फ़ोन में। तो यहाँ से आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। और मैं आपको इसमें एक अच्छी बात ये बता दूं कि पहले क्या था कि पबजी मोबाइल जो था लगभग 1.8 या 1.9 GB का आपको डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन अब क्या कर दिया, इसको लाइट इंस्टॉलेशन कर दिया है। आपको सिर्फ 6 या 700 MB का डाउनलोड करना है और बाकी जितना इसका फाइल था वो सब आपको रिसोर्स फाइल में चला गया है। मतलब अब आपको 3 या 4 रिसोर्स फाइल डाउनलोड करने पड़ेंगे, वो भी 1 GB। और आपको एक और ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है सोलो VPN। अगर आपके पास पहले से पबजी मोबाइल मतलब है आपके फ़ोन में, मतलब पहले से चलता है, तब आपको सोलो VPN डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्ट यहाँ से आपको अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। या फिर जब आपका अब पबजी मोबाइल नहीं है तो आपको यहाँ पर जब प्ले स्टोर में अपने जाएंगे और सोलो VPN लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। फिर आपको इस ऐप में करना क्या है कि यहाँ पर ऐप ओपन करने के बाद कनेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है, अभी कुछ देर में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं कनेक्ट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो अब इसको कट कर देना है और अब अपने पबजी मोबाइल को ओपन करना है। तो अब हम जब पबजी मोबाइल को ओपन करेंगे तो चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि क्या क्या करना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं पबजी मोबाइल ओपन हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं VPN कनेक्ट है। तो अभी चेकिंग फॉर अपडेट हो रहा है, चलिए इसको चेक हो जाने देते हैं। इसमें पहले क्या होता था,
कि जब आप VPN यूज करते थे तो सिर्फ आपको लॉगिन के लिए VPN यूज करना पड़ता था, उसके बाद आप अपने VPN वाले ऐप को डिलीट करके भी PUBG मोबाइल को आसानी से खेल सकते थे। लेकिन जब से PUBG मोबाइल परमानेंट बैन हुआ है तब से क्या है कि अब बिना VPN के आप खेल नहीं सकते। अगर आपको PUBG मोबाइल खेलना है तो आपको VPN कनेक्ट करके ही खेलना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं VPN कनेक्ट है और मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं PUBG मोबाइल ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं PUBG मोबाइल पूरा ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो न्यू अपडेट है उसका एक वीडियो प्ले हो गया। चलिए आपको ये वीडियो ही पूरा दिखा देता हूँ। और यहाँ पे डाउनलोड रिसोर्स का है तो चलिए अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, अभी रिसोर्स डाउनलोड नहीं करना है। तो यही जो मेट्रो रॉयल का न्यू अपडेट है ये वही वाला है, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे रेल की पटरी भी बिछी है और यहाँ पे न्यू का देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा भी है मेट्रो रॉयल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब आपको दिखाता हूँ कि मेट्रो रॉयल का आपको खेलना कैसे है। तो यहाँ पे जो टैप हेयर का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे देख सकते हैं, इसको चलिए अभी रिसोर्स को हटाते हैं साइड में। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रो रॉयल का है और ये निशान जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इस पर चलिए टैप करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला अभी डाउनलोड नहीं है फाइल, तो पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा फिर उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप उसको डाउनलोड करके और जो नया PUBG का अपडेट है मेट्रो रॉयल आप उसको अपने फ़ोन में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बस आपको उसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर आप मतलब जब तक खेलेंगे PUBG मोबाइल तब तक आपको VPN कनेक्ट करके रखना है। अगर आप VPN बंद कर देते हैं तो फिर आप डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज पर पहुँच जाएँगे और PUBG मोबाइल को आप अपने फ़ोन में नहीं खेल पाएंगे। और पहले जो था कि आप बस PUBG मोबाइल को VPN लगा के लॉगिन कर लेते थे और उसके बाद आप VPN को डिसकनेक्ट करके ऐप डिलीट कर देते थे, उसके बाद आप हमेशा आराम से खेल पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको जब भी आपको खेलना है तो आपको VPN को कनेक्ट करना पड़ेगा और VPN कनेक्ट करने के बाद ही आप खेल पाएंगे। फिर जब आप खेलेंगे तो आप अपना मोबाइल का VPN डिसकनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि VPN में जो सर्वर है तो थाईलैंड का जो सर्वर है और साउथ कोरिया का, इसमें आप मतलब अगर ऑटो पे करते हैं तो ऑटो पे आपको अगर जिस पे अच्छा नेटवर्क मिलेगा वो चेंज होता रहेगा, जिससे मतलब पिंग इधर उधर हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहें अच्छे से खेलना तो आप डायरेक्ट थाईलैंड के सर्वर पे कनेक्ट करके खेल सकते हैं या फिर आप साउथ कोरिया के सर्वर पे VPN को कनेक्ट करके आसानी से खेल पाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।